गुडम्बा थाने के अंतर्गत स्कॉर्पियो क्लब के पास हुई गुडम्बा क्राइम टीम और बदमाशों में मुठभेड़। मुखबिर की सूचना पर गुडम्बा क्राइम टीम के सब इंस्पेक्टर मारूपालम, हेड कांस्टेबल अश्विनी दीक्षित, हेड कांस्टेबल अवधेश गिरी, सब कांस्टेबल आसित यादव, कांस्टेबल अरशद अली, राजकुमार सरोज ने घेराबंदी कर दबोचा। कई चैन स्नैचिंग जैसी घटनाओं को अंजाम दे चुके थे दोनों आरोपी। बदमाशों की तरफ से हुई फायरिंग में किसी पुलिसकर्मी को नहीं आई कोई चोट। जवाबी फायरिंग में असलम टांडा के पैर में लगी गोली, उसका दूसरा साथी अतीक भी गिरफ्तार। अपने आप को घिरता देख भागने की फिराक में थे बदमाश। इस बीच क्राइम टीम ने एक के पैर में गोली मार दोनों को दबोचा। फिर हाल दोनों बदमाशों के पास दो सोने की चैन, 315 बोर, 312 बोर के दो तमंचे, 10,000 रुपए कैश बरामद। जो पिकनिक स्पॉट रोड है खुर्रम नगर चौकी और स्कॉर्पियो क्लब के बीच में, वहाँ पे हमारी पुलिस की चेकिंग चल रही थी। एक मुखबिर की ये सूचना प्राप्त हुई कि जो हमारे यहाँ काफी टाइम से दो चेन स्नैचर्स होंडा शाइन बाइक में चेन स्नैचिंग कर रहे हैं और जो बहुत दुर्दांत तरीके से चेन स्नैचिंग करते हैं, महिलाओं को दौड़ा दौड़ा के उनके गले से चेन खींचते हैं, जिसकी वजह से बहुत भय भी व्याप्त है और जिसकी वजह से कुछ महिलाओं ने अपने घर से भी निकलना बंद कर दिया था। उनको देखने की सूचना मुखबिर के द्वारा हमारी पुलिस टीम को मिली। जब पुलिस टीम ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो जो दो बदमाश थे उसमें उन्होंने अपनी तरफ से फायरिंग की। हमारी पुलिस टीम को फायर आई वो मिस हो गई। हमारी तरफ से सेल्फ डिफेंस में फायरिंग की गई हमारी पुलिस टीम की तरफ से, जिसमें एक बदमाश जिसका नाम असलम है उसके दाहिने पैर में गोली लगी है और दूसरा बदमाश भागने की कोशिश किया लेकिन उसको पकड़ लिया गया। अब इन दोनों से पूछताछ की जाएगी। अभी इनके पास से दो पीली धातु की चेन मिली है और लगभग 10,000 के लगभग रुपए मिले हैं। अब आगे इनसे पूछताछ की जाएगी, जो भी इन्होंने पहले भी घटनाएं की हैं उस हिसाब से फिर पता चलेगा। मैम, जो बदमाशों ने फायरिंग की है क्या उसमें किसी पुलिसकर्मी को भी चोट आई है? नहीं, पुलिसकर्मी को कोई चोट नहीं आई है, ऐसी कोई सूचना नहीं है। ठीक।